सरकार से हम लोग को उम्मीद थी, लेकिन नीतीश जी ने और तेजस्वी यादव जी ने युवाओं के साथ एक तरह से कही तो छल कर दी कि आप लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ जो हो रहा है उसको बंद कीजिए और न्याय कीजिए। हम लोग को कोई शौक नहीं होता है कि सड़क पे आंदोलन करें, हम तो छात्रों के लिए लड़ रहे हैं ना। अगर हमें ये रहता तो कोई पार्टी अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई क्या जरूरत थी सड़क पे मार खाने की, जेल जाने की। पार्टी ज्वाइन कर लेते, आराम से ऑफिस में बैठे रहते, और जैसे लोग करता है और नेता लोग वैसे हम भी कर मिशन पे काम कर रहे हैं कि बिहार आगे बढ़े। जो सजा हमको मिली, जो हमें भुगतना पड़ा, वो हमारे आगे आने वाली पीढ़ी को न भुगतना पड़े। जो प्रतियोगी परीक्षा में धांधली सेटिंग की वजह से हमें भुगतना पड़ा, हमको बाहर होना पड़ा नौकरी से, हम बीपीएससी तैयारी करने के लिए पटना आए थे, एक अधिकारी बनने के लिए पटना आए थे, एक गांव के लड़के को जो पटना बीपीएससी की तैयारी करने आया था उसको प्रतियोगी छात्र से छात्र नेता बन जाना पड़ रहा है, तो धिक्कार है बिहार के इन नेताओं को। जब जदयू और बीजेपी की सरकार थी उस समय भी हम लाठी खाए, उस समय भी आंदोलन किए। आज जदयू आरजेडी सरकार में तो भी हम आंदोलन कर रहे हैं, लाठी खा रहे हैं, जेल भी जा रहे हैं। तो हम तो छात्रों के हित में लड़ रहे हैं। अगर किसी को लगता है कि हम नेता बन रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? काल तो आप ये कर सकते हैं ना कि जो क्वेश्चन का आंसर गलत है उसको आप सही करके आप कट ऑफ कम करके एक्स्ट्रा रिजल्ट दे दीजिए, अमरिंदर कुमार को हटा दीजिए, ये तो तत्काल कर सकते हैं ना आप। इतना तो करने में कोई दिक्कत, सीबीआई जांच आप दे सकते हैं तत्काल। आंदोलन का राजनीतिकरण करने की बहुत कोशिश भी की जा रही है और कुछ गुटबाजी भी लोग कर रहे हैं आंदोलन को कमजोर करने का। जो शिक्षा माफिया है, जो लॉबी है बीपीएससी ऑफिस के अंदर, वो लॉबी काम कर रही है और उसका संबंध बाहर कई बड़े बड़े आईएएस आईपीएस बड़े बड़े नेताओं से है जो कि सेटिंग में इन्वॉल्व है, धांधली में इन्वॉल्व है। नहीं, इस बार आश्वासन से काम नहीं चलेगा। इस बार या तो लिखित में दिया जाए या सार्वजनिक रूप से नीतीश कुमार जी मीडिया में बोल दे या हम लोगों से आके मिल ले, बात कर ले और सार्वजनिक रूप से बोले, तभी हम लोग पीछे एकजुट होकर हम लोग आंदोलन करेंगे। 7 दिसंबर बुधवार को सुबह 10 बजे पटना कॉलेज सभी लोग को आना है और वहां से हम लोग पैदल मार्च निकालेंगे जो गांधी मैदान होते हुए बीपीएससी ऑफिस जाएगा, फिर वहां से मुख्यमंत्री आवास। बिहार का कौन नेता है जो 6 लाख अभ्यर्थियों के हित की बात कर रहा है? कोई नेता है? चाहे चिराग पासवान हो, तेजस्वी यादव जी हो, नीतीश कुमार जी हो, कन्हैया कुमार हो, प्रशांत किशोर हो, सुशील मोदी हो, कोई भी नेता। उम्मीद है कि 7 दिसंबर को जो आपका महासंग्राम शुरू होगा पटना कॉलेज से, आपको समर्थन देंगे, पिछली बार उतनी नहीं मिली। देखिए, छात्रों से समर्थन मिलना चाहिए और छात्रों की अंतरात्मा क्या कहती है, छात्र खुद ही अपनी अंतरात्मा से पूछे। हेलो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या विचार है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।